एक दिन पति पत्नी जंगल से कहीं जा रहे थे, साथ में उनका एक साल का छोटा बच्चा भी था। जंगल बहुत घना था, अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। दोनों पति पत्नी वहीं पर रुककर झाड़ियों में देखने लगे। तभी झाड़ियों के अंदर से एक चोर बाहर आता है और चाकू लेकर उस इंसान के सीने में मारता है। वो इंसान वहीं पर मर जाता है। ये देखकर उसकी इंसान की पत्नी चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है, लेकिन चोर उसे भी मारता है। औरत भी वहीं पर गिर जाती है। उसका बच्चा नीचे गिरकर रोने लगता है। चोर बिना देरी किए उनका सारा कीमती सामान चुराकर उस मासूम बच्चे को वहीं पर अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। बच्चा रोते हुए अपने मरे हुए माँ बाप के पास जाता है। छोटे बच्चे को लगता है उसके माँ बाप सो रहे हैं। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों नहीं उठते। थोड़ी देर बाद भूख के कारण बच्चा उन दोनों को छोड़कर वहां से चला जाता है। बच्चा अभी भी रो रहा था। रोते रोते बच्चा एक गड्ढे के पास पहुंच जाता है। उस गड्ढे के अंदर एक भयानक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल इस वक्त सो रही थी। बच्चा जैसे तैसे चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल के ऊपर चढ़कर वह उसे भी उठाने की कोशिश करता है। रोते हुए बच्चे की आवाज सुनकर चुड़ैल नींद से जाग जाती है। उस बच्चे को वहाँ देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है। चुड़ैल उस बच्चे को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, उसे डराती है, लेकिन बच्चा चुड़ैल के पास आकर उससे लिपटता है। फिर चुड़ैल हार मानकर उस मासूम बच्चे को अपने गोद में उठाती है और हवा में उड़ जाती है। हवा में उड़कर चुड़ैल उस मासूम बच्चे को साथ में लेकर उसके माता पिता को ढूंढने लगती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल को उस छोटे बच्चे के मरे हुए माता पिता दिखाई देते हैं। चुड़ैल जमीन पर उतरती है। छोटा बच्चा उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगता है। चुड़ैल समझ जाती है बच्चे के माता पिता को किसी चोर ने मार दिया है। वह तुरंत ही अपने मायावी शक्ति से उन दोनों मरे हुए शरीर में फिर से जान डालती है। दोनों भी पति पत्नी फिर से जीवित हो जाते हैं। सामने चुड़ैल को देखकर दोनों भी बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल के हाथ में बच्चे को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि उनको भयानक चुड़ैल ने पुनर्जीवन दिया है। दोनों भी चुड़ैल के पास जाकर उससे हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद करते हैं। चुड़ैल उनके बच्चे को उन्हें वापस करती है। बच्चा खुशी खुशी माँ के पास गोद में जाता है। तभी हवा में उड़कर वहाँ से चली जाती है।